वो दिन आज भी याद है कि मेरा एक दिन में 68,000 का लॉस हुआ था और मेरा कैपिटल पूरा जीरो हो गया था और मैं एक साल में अप्रॉक्स 3 लाख का लॉस कर लिया था। उस टाइम मैं सिर्फ 12,000 का जॉब करता था, जो मेरा साइकोलॉजी लेवल है ना वो जीरो हो चुका था। जो बिलीव था अपने आप पर पहले मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, अब बड़ा करूँगा आगे जाके, वो सब जीरो हो चुका था कि आप मेरे बस के बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगेन जब बिलीव, फिर कुछ दिन मैंने ट्रेडिंग बंद भी कर दिया, फिर अपने आप को जो गलती था मैं गलती को फाइंड आउट किया कि मैं ऐसे क्या गलती किया था जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा खासा अमाउंट लॉस हो गया था। और मैं फिर अपना साइकोलॉजी लेवल कैसे इम्प्रूव किया, जो 3 लाख का लॉस था वो भी रिकवर हुआ, अब प्रॉफिट में भी अच्छा खासा भी है और अच्छा चल रहा है। मेरे वजह से अभी कई लोगों का घर परिवार अच्छे से चलता है कि मैं सबको, इतने लोगों को जो ट्रेडिंग सिखाया हूँ सबका रिजल्ट अभी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो इससे अपने आप को बहुत खुश फील हो रहा है कि मैं भी अपने लाइफ को बदला और लोगों को भी लाइफ को बदला। तो मैं कैसे ऐसे अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों कैसे इम्प्रूव किया था, जो मैं जो साइकोलॉजी लेवल जीरो हो चुका था, अब फिर अगेन मैं साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया और आज मैं सही मुकाम पर हूँ। तो वो मैं अपना पहले मिस्टेक बताता हूँ कि मैं ऐसे क्या मिस्टेक किया था ट्रेडिंग में जिसके वजह से मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी जीरो हो गया, और मैं आपको दूसरा पार्ट में ये बताऊँगा कि मैं ऐसे क्या किया जिसके वजह से मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छा हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ, जब मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैं कुछ दिन इक्विटी में ट्रेड किया था, उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन में, किसी दोस्त ने बताया डायरेक्ट ऑप्शन में आ गया था और ऑप्शन के बारे में मेरा जानकारी जीरो बटा जीरो था। मेरे पास कोई भी स्ट्रेटजी लगभग 2 या 4 महीने कोई भी स्ट्रेटजी नहीं था कि मैं एंट्री क्यों कर रहा हूँ, एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को कोई पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि मैं एंट्री क्यों कर रहा हूँ, एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं था। मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, 1-2 दिन 3 दिन प्रॉफिट होता था और फिर किसी दिन जाता था जीरो हो जाता था। ये ऐसा कई मंथ चला, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब मैं ट्रेडिंग सीख भी लिया था, अच्छा खासा सीख लिया था, और मैं मॉर्निंग में जब ट्रेड किया तो अच्छा खासा मैं प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुका था। जो मैं सेम क्वांटिटी से ट्रेड करता था पहले, उस क्वांटिटी से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था मॉर्निंग में। आज भी वो मुझे याद है, 2000 का प्रॉफिट था और भी 50 क्वांटिटी से 2000 का प्रॉफिट किया तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरा खुद लालच ऐसा आ गया था कि मैं अगेन सोचा कि थोड़ा और कमा लेते हैं, तो ये 2:30 बजे का टाइम था, मैं अगेन 2000 फिर सोचा थोड़ा और कमा लेते हैं और 200 क्वांटिटी में पंच मारा था और मुझे फर्स्ट ही वेयर में 12,000 का लॉस हो गया था। फिर इस 12,000 को लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मैं क्या किया था, 900 क्वांटिटी से ट्रेड किया और भी लॉस हो गया, और फिर मैं 900 टोटल 1800 क्वांटिटी का से मैं ट्रेड किया था और मेरा जो ट्रेड था गलत हो गया, जीरो किया था और वो 35 वाला प्रीमियम था, 5 पे मैं उसको सेल किया, बैंक निफ्टी के उस दिन एक्सपायरी था और उस दिन मेरा 68,000 का लॉस हुआ था। ऐसे बहुत ऐसे गलती किया। तो मैं अपने लाइफ में ऐसे मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी जीरो होने के कारण क्या था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या था कि मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं था, ये मेरा एक सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मेरा स्ट्रेटजी नहीं था, प्लस मेरा कोई रिस्क मैनेजमेंट मेरे को जानकारी नहीं था। यह है, मैं किसी दिन 50 क्वांटिटी से ट्रेड करता था, किसी दिन मैं 100 क्वांटिटी से, किसी दिन मैं पोजिशन सर्च मेरा कभी भी मैनेज नहीं था, मतलब हमेशा रेगुलर बदलता था। और प्रॉफिट में जैसे मान लीजिए मॉर्निंग मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो भी जाता था, एग्जांपल बोलता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता था, क्वांटिटी से घटाना चाहिए था तो मैं क्वांटिटी से जाए, मैंने 100 क्वांटिटी से करता था, जब दोबारा ट्रेड करता था मैं 200 क्वांटिटी से ट्रेड करता था। मेरा माइंडसेट यही था कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा तो 10,000 का जो प्रॉफिट है ना 20,000 हो जाएगा, 30,000 जल्दी हो जाएगा, ये मेरा माइंडसेट था। इस वजह से मेरा क्या होता था, जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करता थोड़ा भी पॉइंट नीचे गिरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता, और उस लॉस को रिकवर करने में मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। मेरे पास सेटअप ना के बराबर था, कुछ भी सेटअप नहीं था, ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है। सबसे बड़ा मिस्टेक अगेन मैं बताता हूँ, ना मेरे पास कोई सेटअप था उस टाइम, मैं ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा सेटअप नहीं रहेगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग 100% तो करने वाला हूँ, वो तो कोई शक नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करता था मैं। पोजिशन साइज क्वांटिटी साइज मेरे कभी भी मैनेज नहीं रखता था, किसी दिन 50, किसी दिन 100, किसी दिन 150, ऐसे बदलता रहता था। ये मेरा तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। और चौथा ये था लॉस को रिकवर करने के माइंडसेट, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि मेरा लॉस है, उसको लॉस को मुझे आज ही रिकवर करना है, और ये माइंडसेट मेरा सबसे ख़राब था, ठीक है ना, ये मेरा माइंडसेट सबसे ख़राब था। तो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता था मैं, और उसको चक्कर में मैं क्या है बस जीरो होते चला गया। तो मैं अपना साइकोलॉजी लेवल फिर कैसे इम्प्रूव किया, तो सबसे पहले मैं अपने एक रूल रेगुलेशन बनाया, तब मेरा साइकोलॉजी इम्प्रूव हुआ। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेटजी बनाया, स्ट्रेटजी जिसमें मैं कहाँ एंट्री करूँगा, कहाँ एग्जिट करूँगा, जो मेरा फेमस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सेटअप का स्ट्रेटजी है, तो उसमें मैं एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट में इसमें मैं कहाँ एंट्री करूँगा, कहाँ एग्जिट करूँगा, मैं खुद से पे स्ट्रेटजी बनाया, कम से कम इस पर 6 महीना 1 साल बैक टेस्ट किया, बहुत सारा प्रीवियस चार्ट को देख के, कि मैं
ये स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसमें मैं एक्यूरेसी निकाला कि ये मेरा स्ट्रेटजी है, इसका एक्यूरेसी कितना है, क्योंकि मुझे पहले पता चल चुका था कि भाई तुम्हारा कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करने वाला, पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। पहले मैं क्या करता था, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरे को भाई रेगुलर पैसा चाहिए, रेगुलर ट्रेडिंग में लॉस होना ही नहीं चाहिए, पैसा तो पैसा चाहिए भाई कुछ भी हो, और उसके चक्कर था। लेकिन मुझे बिलीव नहीं था कि स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी नाम का कोई चीज़ भी होता। तो फिर मैं क्या किया, एक स्ट्रेटजी बनाया, उसका एक्यूरेसी में ढूंढा कितना परसेंट ये काम करता है, तो एक्यूरेसी में ढूंढा। इसके बाद मैं सोचा इसका RR क्या है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ढूंढा, और उसको बराबर प्रैक्टिस किया, बैक जब बैक टेस्ट किया, जिससे बिलीव हो गया कि अगर मैं इस स्ट्रेटजी पर काम करूँगा तो 70 बार सही होता है और 30 बार लॉस होता है, और R 1:2 है, मतलब अगर मैं 100 बार ट्रेडिंग करूँगा तो मेरा 70 बार प्रॉफिट होने वाला, 30 बार मेरा लॉस होने वाला। तो मैं कैलकुलेट करने लगा कि अगर मैं 100 बार ट्रेड करता हूँ तो 70 बार प्रॉफिट, 30 बार लॉस, फिर भी मैं मंथ के इन में क्या हो प्रॉफिट में ही रहूँगा। अगर कैलकुलेट करता हूँ 1:2 का टारगेट है तो 30,000 का लॉस होगा, 140,000 का प्रॉफिट होगा अगर ये मैं इनसेप्शन में करता था। प्लस ये मेरा खुद का एक स्ट्रेटजी बना लिया। दूसरी बात, मैं उतना ही क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ जिससे मैं एसेट लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं आज इस ट्रेड में ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, तो मैं उतना ही क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा जिससे मेरा एसएल हिट 1,000 रुपया भी हो जाएगा, तो मुझे इतना रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुझे ओवरऑल पता है कि ये स्ट्रेटजी में मुझे पहले से पता रहा कि मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ तो इसका अप्रॉक्स कितना एसएल होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि 30 या 35 पॉइंट का एसएल होता है अप्रॉक्स। यही इसी वजह जो बैकटेस्ट को तो मुझे पता चल ही जाता है कि इतना ही इसका एसएल होने वाला है, तो उसी हिसाब से मैं उतना ही क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ जिससे मेरा एसएल भी हीट हो जाता है। मेरे को पता नहीं, मैं पहले प्रॉफिट के बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं लॉस के बारे में सोचा हूँ, क्योंकि मुझे पहले आप मुझे ये पता चल चुका है कि ये स्ट्रेटजी मेरा 100 में से 70 बार सही है और 30 बार क्या होगा, रॉन्ग होगा। 30 बार कौन से ट्रेड में एसएल हीट होगा ये हमको नहीं पता है। इसका मतलब मुझे ये पता चलेगा भाई हमको पर ट्रेड में क्या है रिस्क है, क्योंकि एसएल कौन से ट्रेड में हीट होगा तो मेरे को ये पता ही नहीं है। इसका मतलब सिंपल था कि मेरा पर ट्रेड में रिस्क है, तो वही मैंसेट रखा कि मैं उतना ही क्वांटिटी से ट्रेड करता था जिससे मेरा एसएल भी हीट हो जाए तो मुझे इतना ग्रेट ना हो। ये मेरा दूसरा था कि मैं पोजिशन साइज हमेशा सेम रखा, और मैं फिर ये रखा कि मैं अगर मैं आज 50 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा तो मैं 50 क्वांटिटी लगातार 3 महीना ट्रेड करता था। मैं अपने इम्प्रूव स्टार्ट किया, मैं जैसे मैं पोजिशन साइज में कैसे इम्प्रूव हुआ ये मैं बता देता हूँ कि मैं पहले 25 क्वांटिटी से लगातार 3 महीना ट्रेड किया उसके 25 क्वांटिटी में, और लगातार 3 महीना ट्रेड करने के बाद जब तक प्रॉफिट नहीं होता था मंथ के तीनों मंथ मेरे मंथ के इनमें प्रॉफिट में आना चाहिए, किसी एक भी मंथ अगर लॉस हो जाता था मैं फिर अगेन 3 महीना उधर आता था, तो लगातार 3 महीना मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए मंथ के इनमें, रेगुलर तो नहीं सकता मंथ के इनमें, तब ये क्वांटिटी 25 से 50 करता था। अगर नहीं, अगर लॉस में था तो मैं सेम क्वांटिटी को बदल रहता था, बदलता नहीं था, 50 का 50 ही रहेगा, उससे मैं ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करता था। ये था मैं पोजिशन साइज को कैसे मैं इम्प्रूव किया। इसके बाद मैं लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, क्योंकि ये मेरे को पहले पता चल चुका कि मेरा हर ट्रेड सही नहीं जाने वाला है। अगर मैं 100 ट्रेड करूँगा तो मेरा हो सकता है 70 बार सही होगा, लेकिन 30 बार तो लॉस तो जाना ही जाना है। इसलिए मैं हमेशा क्या किया, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा। जब तक एसएल हीट होता है तो मैं वहाँ पे एक्सेप्ट करके बाहर मार्केट से हो जाता हूँ। प्लस ये कि मैं हमेशा स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करता हूँ, ना कि रेंडम ट्रेड करता हूँ। स्ट्रेटजी बनेगा तब ट्रेड लूँगा, नहीं बनेगा तो नहीं लूँगा। ये मेरा सिंपल माइंडसेट हो गया। उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग एटीट्यूड को डेवलप किया। ट्रेडिंग एटीट्यूड ये होता है कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक बिल्कुल फोकस की तरह बैठ रहूँगा, पेशेंस रखूँगा। सेटअप बनेगा एंट्री लूँगा, नहीं बनेगा नहीं लूँगा। सेटअप बनेगा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ हमको पता रहता है कहाँ पर ट्रेड करना है, क्या मेरा स्टॉप लॉस है, क्या मेरा टारगेट है, कितना लॉस होने वाला है, कितना टारगेट होने वाला है, ये मेरे को पहले पता रहता है। मैं कितना लॉस लूँगा, लॉस मेरे बारे में प्रॉफिट इतना नहीं देखता हूँ, लॉस मेरे को पता होना कि भाई इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा। ये है। फिर मैं अपना ओवर ट्रेडिंग को कैसे ख़त्म किया। देखो, ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ओवर ट्रेडिंग आप नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर ट्रेडर बनने का जो सपना है वो आपको पूरा नहीं होगा। तो मैं ट्रेड लॉस फिक्स किया कि मैं पर ट्रेड कितना लॉस ले सकता हूँ। पर ट्रेडिंग कैसे ख़त्म किया, तो मैं पर ट्रेड लॉस फिक्स कर लिया और पर डे लॉस फिक्स कर लिया। जैसे मान लीजिए मुझे पर ट्रेड 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, ये तो लॉस मैं फिक्स कर लिया। अगर 3 से 4 हज़ार का लॉस हो गया, मैं सिस्टम को बंद कर दिया। बस ये मैं अपना क्या किया, ओवर ट्रेडिंग को बंद कर दिया। 2 SL मेरा लगातार SL हीट होता है, मैं सिस्टम को बंद कर देता हूँ। एक था यह मिस्टेक ये भी था कि मैं मॉर्निंग में तो प्रॉफिट करता और शाम में इसको लॉस में कन्वर्ट कर देता था। ये एक सबसे बड़ा ये भी बीमारी था मेरा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व किया कि अगर मुझे मॉर्निंग में 10,000 का प्रॉफिट हो जाता था
तो हमेशा मैं 20-30% का रिस्क लेकर ट्रेड करता था। 20-30% मतलब 2000-3000 का रिस्क लेकर ट्रेड करता था बस। प्लस साथ में क्वांटिटी साइज भी कम कर देता था। अगर मैं 10000 में से क्या है 3000 रिक्स लेके ट्रेड करता था, 3000-6000 हो गया तो बहुत बढ़िया है, तो फिर उस 20-30% का रिक्स लेके ट्रेड करता और क्वांटिटी साइज फिर अगेन कम कर देता था। जैसे किसी में एसएल हिट हुआ मैं सिस्टम को बंद कर देता था, ये मेरा सिंपल है। और मैं एक ट्रेडिंग रूल्स बनाया, हमेशा ट्रेडिंग सेटअप एंड प्लान के साथ मुझे ट्रेड करना है। जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक मुझे बैठे रहना है। अगर सेटअप बना तो मैं एंट्री लूंगा, एग्जिट लूंगा, मेरा ये स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा माइंड सेट था। अगर मेरा दो लगातार एसेट हीट हो जाता मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा और भी कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे को पर डे और पर डे अपर ट्रेड मुझे लॉस पता है कि कितना करना है, टारगेट भी इसका अप्रॉक्स 1:2, ये मैं इतना अप्रॉक्स मेरे को पता है। ये सब कुछ मैं रूल को फॉलो किया ना दोस्तों, तो मेरा साइकोलॉजी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि मैं 10 स्ट्रेटजी के पीछे भागना बंद कर दिया। मैं एक या दो हाइस्ट जो मैं स्ट्रेटजी है दो हाइस्ट दो या तीन स्ट्रेटजी पर ही काम करता हूँ, और एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी के पीछे मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि हर ट्रेड में रिक्स है, हर स्ट्रेटजी में रिक्स है। और आप मान लीजिए डेली स्ट्रेटजी बदलोगे, दिन में 4-5 स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करोगे, तो भाई आपको पता चल चुका है कि हर ट्रेड में, हर स्ट्रेटजी में ट्रेड में रिक्स है। इस प्रॉफिट किया क्या पता उसमें आपका उस स्टेज में लॉस हो सकता है, इसमें लॉस होगा क्या पता इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा एक या दो हाइस्ट तीन स्ट्रेटजी के पीछे भागता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं भागता हूँ। तो मैं ऐसे अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव किया, ये सिंपल था। आज देखिए भगवान की वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा है, और लाइफ है, जर्नी है, उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, ये तो दुनिया का रिथ है। तो बस आप भी ऐसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो ट्रेडर कोई और इंसान आपको नहीं बना सकता, आपको एक ही इंसान बना सकते हो, आप खुद और आपका मिस्टेक। बस डेली सीखने पर फोकस करो, ऑटोमेटिक आप जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ना इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव करने का तरीका। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जो लाइक इन कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर।